सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। क्या आप ये मानते हैं कि दुख सत्य है? क्या आप ये भी मानते हैं कि दुख के कारण भी है? हाँ, यदि कारण है तो दुख तो रहेगा, और यदि कारण ही समाप्त हो जाए तो दुख भी लुप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा। आप सुनी सुनाई बातें नहीं कहते, अपने गहन अनुभव के आधार पर कहते हैं। आप धर्म और सिद्धांत की नहीं, देखी हुई बातें कहते हैं। आपने कहा कि मुक्ति का मार्ग है अपने विवेक को जगाना और गूढ़ ध्यान में लिप्त हो जाना, जिससे मनुष्य स्वयं को और इस संसार को भली भांति समझ सकता है। परंतु एक प्रश्न है, ये जो सारी विधियां हैं, रीतियां हैं, पूजा पाठ हैं, क्या ये सब व्यर्थ है? यदि कोई व्यक्ति इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहे तो वो क्या करे? यदि जल गहरा नहीं है तो वो चलकर जा सकता है, और यदि जल गहरा है तो वो नाव की सहायता से जा सकता है या स्वयं तैर कर जा सकता है। यदि वो चलना ना चाहे और ना ही तैरने को तैयार हो और ना ही नाव ले जाने को तैयार, और वो कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं इस नदी का दूसरा किनारा स्वयं चलकर मेरे पास आ जाए, तब तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे, महामूर्ख। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे छोर पे कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान, या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे ही रहेगा। हमने सारे शास्त्रों को पढ़ा, उन पर व्याख्या की, परंतु जीवन के इतने जटिल सत्य को इतनी सरलता से किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं समझाया। आप इस भटकती मानवता को परम ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। आप करुणा के सागर हो, हे बुद्ध, आप हमें अपना अनुयायी स्वीकार करें। मेरे भी कुछ प्रश्न हैं, कृपा करके उनके उत्तर देंगे? अवश्य। आपका शिक्षण क्या है? आपके सिद्धांत क्या है? वैसे मेरे विषय में मैं कहूं तो मैं किसी सिद्धांत पर भरोसा नहीं करता। आपको अपने सिद्धांतों पर भरोसा ना होने में भरोसा है? क्या आप अपने अविश्वासी होने पर विश्वास करते हैं? ये तो वाक्यों का खेल है। नहीं, ये आपकी बुद्धि का खेल है। मेरे विश्वास और अविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न है कि आपके सिद्धांत क्या है? यदि कोई भी व्यक्ति एक बार किसी भी सिद्धांत को पकड़ लेता है तो सर्वप्रथम वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है, वो रूढ़िवादी होता जाता है। उसे लगता है कि जो उसका सिद्धांत है वही सही है, उसका विश्वास ही विश्वास है, बाकी सब असत्य है। और जहां विचारों की स्वतंत्रता की बलि हुई, एक ही विचार घेरा डाल लेता है, मनुष्य और संकीर्ण होता जाता है, और यहीं से संघर्ष और द्वंद की शुरुआत होती है। किसी भी बात का विश्वास अविश्वास का भी विश्वास मोह में डालता है,
विचारों में बहुत शक्ति है, वो अपनी पकड़ जड़ तक बना लेते हैं और उनसे आसक्ति आत्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। यदि उसमें उलझे तो परम ज्ञान का द्वार कभी नहीं खुलेगा। यदि आपकी शिक्षा का कोई पालन करता है तो क्या वो भी बंधनों में बंध जाता है? मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं। मेरा मार्ग ना सिद्धांत है ना ही दर्शन शास्त्र, केवल शुद्ध अनुभव है, परम सत्य का अनुभव। परंतु बुद्ध, यदि कोई आपके मार्ग को ही अपना सिद्धांत समझ ले तो? मेरा मार्ग अभ्यास का है, उसे ना तो किसी स्थूल पदार्थ की तरह पकड़ा जा सकता है ना ही उसे पूजनीय बनाया जा सकता है। मेरा ज्ञान ऐसा समझें कि एक नाव है जिससे नदी पार की जा सकती है, परंतु नदी पार करने के उपरांत हम उसे अपने सर पे तो नहीं ढोले जाते ना। मन करता है कि आपके चरणों में गिर पड़ूं, किंतु अभी भी कोई ऐसी भावना है जिसकी पकड़ मुझ पर अब तक है। तीन तरह की भावनाएं होती हैं, सुखद, दुखद और तटस्थ। इन तीनों भावनाओं की जड़ें हमारे शरीर और मन में ही स्थित हैं। भावनाएं तरंगों की तरह उठती हैं और फिर स्वयं ही विलीन हो जाती हैं। मैं कहता हूं कि पहले इन उठती भावनाओं की गहराई में देखो, समझो, जानो कि इनका उद्गम कहां से हो रहा है। चाहे दुखद भावना आए या सुखद भावना, केवल ये देखो कि वो उठ कहां से रही है। जब उसके मूल में पहुंचोगे तो पाओगे वहां केवल शून्य है, ऐसा शून्य जैसे नीला आकाश। वो शून्य तो है परंतु सबको अपने अंदर समेटे हुए है, एक चादर की तरह। बस अभ्यास करो, धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये पाओगे कि लहरें उठना बंद हो गई। परम शांति की जो झील हमारे अंतर में है वो तो विचलित ही नहीं हो रही। फिर और गहरे में जाओगे तो पाओगे कि भूल कहां कर रहे थे। जो नश्वर है उसे अविनाशनीय समझ बैठे थे। अज्ञान ही सभी विषमताओं की जड़ है। मैं केवल ध्यान की बात कहता हूं, ध्यान से अज्ञान दूर होगा। अज्ञान ना पूजा से, ना व्रत से, ना चढ़ावों से, ना किसी तप से समाप्त होगा। बहुत देर निद्रा में रहे संजय, उठो, जागो, स्वयं को पहचानो। आप दर्पण है बुद्ध, आप में झांक कर आज प्रथम बार मैंने अपने सत्य को प्रतिबिंबित होते हुए देखा है। अब मैं अंधों का जीवन व्यतीत नहीं करूंगा, मुझे अपना भिक्षु स्वीकार कीजिए।
मैं बुद्ध की शरण में आता हूँ। धर्म जो आपका स्वरूप है, मैं उसकी शरण में आता हूँ। मैं संघ की शरण में आता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सभा में स्वागत करता हूं। आचार्य सोनदंड की जय। आचार्य सोनदंड की जय। सोनदंड की जय। आज ये दोनों माननीय महाराज की उपस्थिति में इस राज्यसभा में अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। ऐसे विचार जिससे आप लोगों के ज्ञान की वृद्धि होगी। अब मैं दोनों माननीय से विनती करता हूं कि वो किसी एक विषय पर अपने विचार प्रकट करें। आप आयु में मुझसे छोटे हैं, अतः विषय चुनने का अवसर भी मैं आप ही को देता हूं। कहिए, किस विषय पर चर्चा करनी है? प्रणाम सौंदंड, क्या आप बता सकते हैं कि एक सच्चे ब्राह्मण में कौन कौन से गुण होना अनिवार्य है? यदि आप चाहें तो वेदों के उदाहरण भी दे सकते हैं। वेद पाठ तो सौंदर्य का प्रमुख विषय है। वेद की गहन गुत्थियों को सुलझाने में आप महारथी हैं। इक्षु गौतम, पूर्ण ब्राह्मण बनने के 5 लक्षण हैं। सुंदर रूप, मंत्रोच्चारण एवं अनुष्ठान करने में प्रवीण, 7 पुष्टों से रक्त की शुद्धता, अच्छा ज्ञान, अच्छा कर्म। इन 5 गुणों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होने चाहिए और इनमें से किसी भी गुण के अभाव क्या वो सच्चा ब्राह्मण हो सकता है? अंत के 2 गुण, अच्छा ज्ञान एवं अच्छा कर्म। सुंदर रूप, मंत्रोच्चारण एवं अनुष्ठान करने की प्रतिभा, 7 पीढ़ियों से रक्त की शुद्धता आवश्यक नहीं। क्षमा कीजिएगा, परंतु सोनदत्त जी उचित उत्तर नहीं दे पाए। बुद्ध के प्रश्नों ने इन्हें उलझा दिया है। ये तो ब्राह्मणों का अपमान है। आदरणीय सभागण, यदि आप सौंदर्य में आस्था रखते हैं तो कृपया कर शांत हो जाइए, उन्हें अपनी बात कहने दें। यदि आप उनमें आस्था नहीं रखते हैं तो आप में से जो चाहे इस विषय की चर्चा को आगे बढ़ा सकता है। मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मित्रों, हम सबके बीच में मेरा चचेरा भाई अंगक बैठा हुआ है। अंगक रूपवान है, उसका आचरण कुलीन और उत्कृष्ट है। उसके बाह्य सौंदर्य की बराबरी केवल भिक्खु गौतम के साथ ही की जा सकती है। 2 परिवारों के रक्त की शुद्धता उसके अंदर बह रही है। वेद पाठ का ज्ञानी है, ये 3 गुण तो उसमें है। पर यदि विचार के रूप में देखें कि अंगक मदिरापान करता है, हत्याएं करता है,
बलात्कार करता है, झूठ बोलता है, चोरी भी करता है, तो उसके बाकी के गुणों का कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा। अतः मित्रों, सदकर्म और ज्ञान ही सर्वोपरि है पूर्ण ब्राह्मण बनने के लिए। इन दोनों गुणों में से भी सर्वोत्तम गुण आप किसे समझते हैं? सदकर्म और ज्ञान दो नहीं हो सकते। जैसे एक हाथ दूसरे हाथ को और एक पैर दूसरे पैर को साफ करता है, उसी तरह सदकर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं। सदकर्म आपके विवेक को प्रकाशमान बनाता है और विवेक से किया कर्म आपको धार्मिक बनाता है, और यही जीवन का गूढ़ मंत्र है। उत्तम, अति उत्तम सोंदन, आप हमारी आशा पे खरे उतरे। बुद्ध, अब आप बताएं कि हमारे परम विद्वान सोनदन से आप क्या पूछना चाहते हैं? सत्य कहा सोनदंडे आपने, सत्कर्म और ज्ञान जीवन के सबसे मूल्यवान गुण हैं। क्या आप बताएंगे कि सत्कर्म और ज्ञान को उच्चतम कोटि तक कैसे विकसित किया जाए? करुणा निदान, इस विषय में आप ही हमारा मार्ग निर्देश करें। हम तो केवल सिद्धांत जानते हैं, किंतु आप बुद्ध बन परम सत्य को प्राप्त हुए हैं। हे परम पुरुष, आप ही बताएं सदकर्म और ज्ञान की उच्चतम कोटि तक कैसे पहुंचा जा सकता है? आत्ममुक्ति के तीन चरण हैं, शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। यदि हम शीलों का आचरण करते हैं तो ध्यान साधना में वृद्धि होती है, और ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण करना संभव होता है। इसके द्वारा काम, क्रोध, मोह, माया, तृष्णा से दूर हो आत्ममुक्ति, शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। करुणा निधि, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे अंधकार से प्रकाश में ले आए। हे परम पुरुष, मुझे आपकी शरण में ले लें, मुझे संघ की शरण में ले लें। परम पुरुष, क्या हुआ सारिपुत्र? क्या मैं चिंता का कारण जान सकता हूं? बुद्ध, मेरी मां बहुत दिनों से अस्वस्थ है। मेरे गांव नाला में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। यदि आप आज्ञा दें तो। इसमें आज्ञा कैसी सारिपुत्र? मां की सेवा से उत्तम कोई और कार्य नहीं। सेवा भी एक विशेष अवसर है सारिपुत्र। यदि सच्चे हृदय से सेवा की जाए तो
तो उसमें भी ध्यान साधा जा सकता है। कोई वचन जिससे मेरी मां को शांति मिले? मन और शरीर के स्वास्थ्य का रहस्य है कि जो बीत गया उसका ना शोक मन में और ना ही आने वाले कल की चिंता। जिस क्षण में हो, जो क्षण तुम्हें मिला है, जो तुम्हारे समक्ष है, उसी क्षण को पूर्ण ध्यान पूर्वक और पूर्ण समझ द्वारा जी लो। सहसा प्रतीत हुआ कि आपसे बहुत दूर जा रहा हूं। ओम भगवती भिक्षाम देहि। हट्टे कट्टे हैं, नौजवान हैं, फिर भी कटोरा उठाकर भीख मांगते फिरते हैं, शर्म भी नहीं आती इन्हें। अरे भाई बगैर पसीना भाई मुफ्त की रोटियां तो तोड़ेंगे। राजगृह वालों ने भिक्षा नहीं दी। गुरुवर हम यहाँ से किसी और स्थान पर नहीं जा सकते? अवश्य जा सकते, पर जो तुम्हें यहाँ अशांत कर रहा है वो किसी दूसरे स्थान पर भी अशांत करेगा। नहीं गुरुवर, यहाँ के लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारा उपहास करते हैं, ताने मारते हैं, और तुम्हें क्रोध आता है। यदि यही लोग तुम्हारे पथ पर फूलों की पंखुड़ियां बिछाएंगे तो तुम्हें प्रसन्नता होगी, अर्थात तुमने अपनी शांति की कुंजी को दूसरों के हाथों में सौंप दी है। बाहर की बात तुम्हें विचलित भी कर सकती है और तुम्हें प्रसन्न भी कर सकती है। गुरुवर हमसे ही भूल हुई, यदि बाहर के कारण दुख और क्रोध हमारे मन में है तो हमने ही मन से आपके संदेश को ग्रहण नहीं किया है। मन में यदि प्रतिशोध का भाव आया तो ये समझना कि तुम अभी परम सत्य से बहुत दूर हो। आप कहते हैं तो मन क्षण में समझ जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी नई बात लोग आसानी से ग्रहण नहीं करते, तुम उनकी सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ रहे हो। वो तुमसे प्रेम नहीं करेंगे, पहले पहले वो तुम्हारा उपहास करेंगे, फिर हिंसक होंगे, फिर तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, फिर तुम्हें स्वीकार करेंगे। ये परिवर्तन तुम स्वयं देखोगे, बस अपना धैर्य और सहनशीलता ना छोड़ना। ओ